किसी जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर का ऊतक या कोई अंग दान करना अंगदान कहलाता है। इसमें ऊतक या अंग किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित अथवा ट्रांसप्लांट किया जाता है। अंगदान के लिए दाता के शरीर से दान किए हुए अंग को शल्य क्रिया द्वारा निकाला जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति, धर्म अथवा समुदाय का हो, वह अंगदान कर सकता है। हर वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अंगदान दिवस पूरे भारत में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। दान किए जाने वाले अंग किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, फेफड़ा, हृदय, आँख, पाचक ग्रंथि, आंत, त्वचा, ऊतक, हड्डी, हृदय, छिद्र, गर्भाशय, नसें आदि है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पूरे देश में ज्यादातर अंगदान अपने परिजनों के बीच में ही होता है, अर्थात कोई व्यक्ति सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही अंगदान करता है। विभिन्न अस्पतालों में सालाना सिर्फ अपने मरीजों के लिए उनके रिश्तेदारों द्वारा लगभग 4000 किडनी और 500 कलेजा दान किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी समय किसी व्यक्ति के मुख्य क्रियाशील अंग के खराब हो जाने की वजह से प्रतिवर्ष कम से कम 5 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौत हो जाती है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख में से 0.16% लोग ही अंग दान करते हैं। अपने अच्छे क्रियाशील अंगों को दान करने के द्वारा कोई अंगदाता 8 से ज्यादा जीवन को बचा सकता है। अंगदान करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। अंगदान करने का निर्णय उम्र के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि यह निर्णय विशुद्ध चिकित्सा मानदंडों के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में कार्निया, हृदय वाल्व, त्वचा और हड्डी जैसे ऊतकों का दान किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क की मृत्यु होने की स्थिति में केवल यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान किया जा सकता है। हृदय, अग्नाशय, यकृत, गुर्दे और फेफड़े जैसे अंगों का प्रत्यारोपण उन अंग प्राप्तकर्ताओं में किया जा सकता है जिनके अंग असफल हो चुके हैं, ताकि यह प्राप्तकर्ता सामान्य जीवन यापन कर सके। 18 वर्ष से कम आयु के अंग दानकर्ताओं के लिए अंग दान करने से पहले अपने माता पिता या अभिभावकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। सक्रिय कैंसर, HIV, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी या हृदय की बीमारी जैसी गंभीर स्थितियों के होने पर अंग दान करने से बचना चाहिए। देश में हर साल 1.5 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है, जबकि 3000 मुहैया हो पाती हैं। मरीजों को 25,000 नए लीवर की आवश्यकता होती है, लेकिन हासिल हो पाती है सिर्फ 800। 60 लाख नेत्रहीनों लोगों को आँखों की जरूरत होती है, लेकिन 22,384 लोगों को ही हासिल हो पाती है। हर घंटे 10,000 अंग अवैध तरीके से खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अंग दान महादान है, इसके लिए आपको स्वस्थ होना जरूरी है। यह एक पुण्य का काम है। तो ये थी अंग दान के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अलग अलग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।